दोस्तों ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये एक आईएएस ऑफिसर हैं और इनके ऊपर आरोप ये लगा था कि आईबीपीएस की जो क्लेरिकल की परीक्षा है उसमें ये किसी दूसरे पर्सन की जगह बैठकर खुद ही परीक्षा ये दे रहे थे। ये जो बात है वो काफ़ी समय पहले की है, 2019 में इनका आईएएस में सिलेक्शन हुआ था और हिमाचल कैडर के आईएएस नवीन तंवर अब ये निलंबित हैं क्योंकि दूसरे की जगह बैंक क्लेरिकल की परीक्षा देने का आरोप इनके खिलाफ लगा था। अभी रिसेंट में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर में सहायक उपायुक्त के पद पर ये जो है काम कर रहे थे और नवीन के ऊपर जो है दूसरी जगह परीक्षा देने का आरोप लगा था। 2019 बैच के हिमाचल कैडर के ये आईएएस थे तो अभी इनको निलंबित कर दिया गया है। पिछले महीने जो है इनको 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जो सीबीआई है केंद्रीय जांच ब्यूरो उन्होंने जो है उनके मजिस्ट्रेट हैं शिवम वर्मा उन्होंने 50,000 का जुर्माना भी लगाया और 2019 बैच के ये जो आईएएस ऑफिसर हैं नवीन तंवर इनके ऊपर ये आरोप था कि जब 13 दिसंबर 2014 को आईबीपीएस क्लेरिकल की परीक्षा हो रही थी तो उस दौरान झांसी के एक अमित हैं उनकी जगह ये खुद ही क्लेरिकल की परीक्षा बैठकर दे रहे थे साल 2014 में। लेकिन केस जो है जब किसी के ऊपर लग जाता है क्योंकि सीबीआई ने उस समय 6 लोगों को आरोपी बनाया था तो ये केस साल दर साल आगे बढ़ता गया और इसका जो जजमेंट है वो काफ़ी बाद में आया लेकिन तब तक ये 2019 में आईएएस बन चुके थे। तो हुआ ये था कि जो 13 दिसंबर 2014 को परीक्षा हो रही थी आईबीपीएस की उसमें नवीन तंवर ने गाजियाबाद में एक आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वहाँ पर जाकर परीक्षा दी थी और वर्तमान में जो नवीन तंवर है ये राज्य के चंबा जिले के भरमौर में सहायक उपायुक्त ADC के पद पर ये जो है काम कर रहे थे। तो नवीन तंवर का मामला जब CBI कोर्ट से आरोप सिद्ध इन पर हो चुका था तो परीक्षा देने के मामले में इनके साथ 6 अन्य दोषी जो हैं वो भी पाए गए थे जिन्हें 3 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 50,000 का जुर्माना लगाया गया। तो इसमें जो प्रदेश सरकार है हिमाचल सरकार उन्होंने 18 मार्च को CBI से भी जानकारी पूरी मांगी थी और 9 साल पहले 2014 में ये जो पूरा वाक्य है ये तब का है लेकिन इनको पनिशमेंट जो है वो यहाँ पर 2023-24 में यहाँ पर मिल रही है तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। और 2019 में नवीन तंवर जो है संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के लिए चयनित हो गए थे तो किसी दूसरे की लिपिक परीक्षा जो क्लेरिकल की है उसके मामले में इनको 1 साल इनका ट्रायल कोर्ट में चलता रहा और जिसमें कोर्ट ने भी इनको दोषी पाया और इनकी जो फाइल है वो CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के हस्ताक्षर करने के बाद में ये जो है काफ़ी ज़्यादा स्पीडी प्रोसेस किया गया और जो लॉ डिपार्टमेंट से इस मामले की सलाह भी ली गई और लॉ डिपार्टमेंट ने सीधे स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई भी कर्मचारी या अधिकारी 48 घंटे तक जेल में रहता है तो इस स्थिति में स्वतः ही उसको निलंबित समझा जाना चाहिए। तो ये आजकल हुआ है और कभी कोई ये नहीं सोच सकता कि उसके साथ आगे क्या हो सकता है, मतलब कब का केस और आज जाकर 2024 में जाकर आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हो तो ये अपने आप में बहुत अलग है। लेकिन था तो अपराध क्योंकि 2014 में भी जो एलिजिबल कैंडिडेट था जिसका सिलेक्शन होना चाहिए था अगर उस बंदे की नौकरी कोई खा रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक अपराध है। आजकल बैंकों में नौकरी नहीं है लेकिन ऐसे माइंडेड पीपल जो कि अगर जा रहे हैं और किसी दूसरे की जगह बैठकर एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर ये एक बहुत बड़ा अपराध है और गवर्नमेंट ने और जो प्रशासन है उसने इस तरीके की सज़ा देकर एक बड़ा मिसाल कायम किया है कि आपने अगर अपराध पहले कर रखा है इस तरीके का और आप किसी भी बड़ी पोजिशन पर पहुँच जाओ तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा है जो कि हिमाचल सरकार ने यहाँ पर किया है और 2014 में पकड़े गए थे नवीन, 2019 में UPSC निकाल कर ये IAS बने और बैंक क्लेरिकल जो IBPS की परीक्षा है उसमें इनको CBI के द्वारा आरोपी बनाया गया था और अब इनको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये आपको क्या लगता है आप भी एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा गाइस। और मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत है, कभी भी इस तरीके के थोड़े से पैसों के लालच में लोग जो हैं इस तरीके से सॉल्वर गैंग में शामिल हो जाते हैं लेकिन ये नहीं पता कि जो एस्पिरेंट दिन रात बैठकर अपनी मेहनत कर रहा है उसके साथ ये कितना बड़ा विश्वासघात हो रहा है। तो फिर भी आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर द वीडियो, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।